बस 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 नहीं है ये वो वाला बस, ये बस है यातायात का साधन जिसकी यात्रा करेंगे सब जन। आओ आओ देखें नाटक, बस की यात्रा है जिसका शीर्षक, हरिशंकर परसाई जी ने जिसे रचा, दिखाई यातायात की दुर्व्यवस्था। हरिशंकर परसाई जी को क्या तुम जानते? वे हैं हमारे हिंदी साहित्य के महान लेखक, महान व्यंगकार, जिनके व्यंग हैं अत्यंत चुटीले। नमस्कार, मैं अनन्या अग्रवाल। मैं अनन्या शांडिल्या। मैं आदित्य वर्मा। मैं मोक्ष गोयल। मैं शालिनी जैन। इस बरस के परेशान बेहाल यात्री आप सबके सामने बस का सफरनामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं पहला दृश्य, जिसमें मैं अनन्या अग्रवाल और मेरे चार दोस्त बस की यात्रा करके पन्ना होते हुए सतना जा रहे हैं। मैं और मेरे चार मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो को कल सुबह काम पर हाजिरी भी तो देनी थी। अरे अरे, समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं जनाब, बस डाकिन है डाकिन। बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के निशान लिए हुई थी। हम सबको लगा लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य ही थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। देखो देखो, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे हैं। हमने उससे पूछा, ये बस चलती भी है? चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब ही हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। मेरे डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, पर अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब हम 5 मित्रों में से एक मित्र अनन्या शांडिल्या आपसे हरिशंकर परसाई जी के रूप में मिलेंगी, देखिए वो क्या कहना चाहती हैं। हाँ जी, तो हम लोग तो भाई बैठ गए और कर भी कुछ नहीं सकते थे। जो छोड़ने आए थे वो तो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा कर रहे हो, जैसे उसके बाद हम उनसे मिलने ही नहीं वाले। उनकी आंखें ही कह रही थी। हाँ, न जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो जाएगा, राम जान रंग तो की, कोई सिंहासन चर चले, कोई बंधे जंजीर। आदमी को तो कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। जनाब, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन बन गई हो और हमें उसके अंदर बैठना पड़ रहा हो। कांच इसकी वजह से कांच तो बहुत कम ही बचे थे। जो बचे थे ना, उनसे हमें बचना था, नहीं तो सही सलामत हम सतना नहीं पहुंच पाते। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन डाल दिया हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये बस तो गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य ही जवान रही होगी। अरे, इसे तो ट्रेनिंग भी दे चुके होंगे वो लोग। हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। कभी सीट का बॉडी से असहयोग होता, कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई,
कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यही नहीं समझ आ रहा था कि सीट हम पर बैठ गई है कि हम ही सीट पर बैठे हुए थे। अरे अब हरिशंकर परसाई जी की भूमिका निभाने आ रहे हैं हम पांचों मित्रों में से एक मित्र आदित्य। चलिए आदित्य देखते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ जनाब कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख दिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, लेकिन उस सुंदर दृश्य का मजा कैसे लिया जाता, क्योंकि हमें उन पेड़ों और झीलों को दुश्मन मानना पड़ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि अब बस इसी से टकराएगी। वहां निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील देखते ही सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी तो प्रकृति का कैसे मजा लिया जाता। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब हरिशंकर परसाई जी के रूप में हम पांच मित्रों में से एक मित्र मोक्ष गोयल आ रहे हैं। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। चीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानी हो रही थी कि हम बेचारी पर लद कर चले आ रहे थे। अगर इसका प्राणांत हो जाता तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ती। रिश्तेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार कर दिए जनाब। बस फिर से चल पड़ी, पर अब उसकी रफ्तार और भी कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों से ज्योति भी तक जाने लगी। वह चांदी में रास्ता टटोल कर रेंगने लग गई थी जनाब। अब तो आगे या पीछे कोई गाड़ी आती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, चली जाओ बेटा, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब हम बाजों में से एक दोस्त चारवी जैन अब आगे हरिशंकर परसाई जी की भूमिका निभा। पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक पर के बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाली में गिर जाती। डर भी डर कर भाग गया, ना भी अब वह का लगा। मैंने रिश्तेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे साहब बेवकूफ हैं, समझदार हैं या दिले कौन जाने। वे शायरों की हालत जानते हैं कि नहीं। भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। इस आदमी के साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। बस नाली में गिर जाती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी जिसने एक टाइम के लिए प्राण दिए। अरे मर गया नहीं। जनाब इस बार बस रुकने के बाद यात्रियों के गुस्से की चिंगारी में
ऐसा घी डला कि वो बस कंपनी के सितार पर कुछ मिनटों के लिए धड़क ही पड़े। भाई तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम एक छोटी सी बस को ठीक नहीं कर सकते हो? इसके टायर कितने खराब है, खिड़की कितनी खराब है, हम लोग मर जाते तो क्या करते फिर है? ये बस तो बैलगाड़ी से भी धीरे चलती है। सच में अगर हम बैलगाड़ी से जा रहे होते तो बैलगाड़ी भी इससे जल्दी पहुंच जाती और हम सोते खाते पीते जागते अच्छे से चले जाते, ना कुछ अपनी जान की परवाह होती ना कोई डर। दूसरा घिसा पिटा टायर लगाकर बस फिर चली। हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। सब छोड़कर शांत हो गए, इस लोक नहीं तो उस लोक पहुंचेंगे, कहीं तो जरूर पहुंचेंगे। हाँ जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। जितना भी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अभी में महाव्यंगकार लेखक कवि हरिशंकर परसाई जी की भूमिका निभा रही थी। वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि समय अनुसार प्रत्येक वस्तु का नवीकरण आवश्यक है। आपका बहुत बहुत आभार। तो यह थी हमारी खट्टी मीठी एक वृद्धा अनोखी बस की यात्रा। क्या कभी आपको भी इतनी सौभाग्यशाली बस में यात्रा करने का अनुभव हुआ है जिसे हमारी तरह अनेकों वर्षों के लिए याद रख सके? धन्यवाद धन्यवाद।